गाइस देखो इनिशियल पावर में तो एनएस निकल चुकी है और भाई निकल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फर्स्ट राउंड फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और भाई को वेट का भी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये मैंने डाला फोर्थ गियर और ये मैं डिस्टेंस कवर करते चले जा रहा हूँ आगे। लेकिन अब मैं भाई को कवर करने की कोशिश करता हूँ और ये डिस्टेंस हो गया है यहाँ पर कवर और मैंने लगा दिया है फिफ्थ गियर। हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। सो गाइस, आप देख सकते हो आज फिर से अलग अलग कंपनियों की सेम सेगमेंट की बाइक लेकर आए हैं हमारी ड्रैग के लिए। एक तरफ आज हमारे पास है KTM RC 125 जो 124 सीसी के इंजन में मिलती है। पावर की बात करूं तो गाइस ये 12 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 14 bhp की पावर जनरेट करती है। दूसरी साइड हमारे पास है पल्सर NS 125 जो कि 124 सीसी के ही इंजन में मिलती है। ये गाइस 12 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 11 bhp की पावर जनरेट करती है। तो देखते हैं गाइस इन दोनों की ड्रैग करके और चेक करते हैं कि आज इन दोनों की ड्रैग का क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी वेट भी आप चेक कर ही सकते हो, जैसे हमारे नीरज भाई का वेट मुझसे ऑलमोस्ट 15-20 केजी कम है, वैसे ही भाई का भी वेट मुझसे ऑलमोस्ट 15-20 केजी कम है। भाइयों को वेट का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है। लेकिन गाइस फिर भी चेक करते हैं कि आज की ड्रैग का क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए गाइस हमारी आज की ड्रैग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे ड्रैग ट्रैक पर। तो गाइस आ चुके हैं हमारे ड्रैग ट्रैक पे और स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट राउंड। और आप देख सकते हो मैं चला रहा हूँ हमारी RC 125 और भाई चला रहे हैं NS 125। अब देखते हैं कि गाइस इस ड्रैग में भी क्या रिजल्ट निकलता है। आपको पता ही है कि RC 125 का इनिशियल बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो देखते हैं, चलिए गाइस हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपको इस ड्रैग का रिजल्ट देते हैं। तो गाइस मैं लॉन्चिंग में थोड़ा सा रह गया हूँ और भाई निकल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फर्स्ट राउंड फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और गाइस आप देख सकते हो कि मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस बनाएगी, लेकिन पल्सर में कुछ ज़्यादा पिकअप नहीं लग रहा है। सो गाइस आपने हमारा फर्स्ट राउंड चेक किया ही, एक्चुअली मेरे जूते की लेस फंस गई थी गियर में, तो इसलिए मुझे लॉन्चिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इसलिए गाइस हम फर्स्ट राउंड वही रहने देते हैं और यहाँ से हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं और इस बार मैं लॉन्चिंग भी तगड़ी करूँगा। तो देखते हैं, वैसे गाइस फर्स्ट राउंड में हमें पता चली गया है NS में इतना ज़्यादा पावर नहीं है और वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बना पा रही है। तो गाइस यदि मेरी लॉन्चिंग बेस्ट हुई तो 100% मैं NS को हरा दूंगा। तो चलिए गाइस हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या रिजल्ट निकलता है और NS को हराने की कोशिश करते हैं। तो चले भाई रेडी। तो गाइस देखो इनिशियल पावर में तो NS निकल चुकी है, अब मैं इसको घेरने की कोशिश करता हूं और भाई को वेट का भी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये मैंने डाला फोर्थ गियर और ये मैं डिस्टेंस कवर करते चले जा रहा हूँ आगे। और आप देख सकते हो गाइस भाई को मैं छोड़ चुका हूँ पीछे। तो गाइस NS को हम हरा चुके हैं और सेकेंड राउंड में रहे हम विनर। सो गाइस आपने सेकेंड राउंड चेक किया ही, बहुत ही बढ़िया विनर रही हमारी RC 125। और जो हमने शुरू में बातें और जो गाइस वीडियो स्टार्टिंग में हमने बातें की थी कि NS का पावर बहुत तगड़ा है, लेकिन गाइस ये भी अपाची जैसी थोड़ी सी फुस्सी निकली और हमारी RC बहुत तगड़े तरीके से जीत चुकी थी और मैंने लॉन्चिंग बेस्ट की। अब थर्ड राउंड फिर से हम सेम बाइक से कर रहे हैं और फोर्थ वाले राउंड में हम राइडर स्विच करेंगे। तो चलिए गाइस हमारा थर्ड राउंड फिर से स्टार्ट करते हैं और मुझे जीतने में बड़ा मज़ा सा आ रहा है, इसलिए हम थर्ड राउंड फिर से सेम बाइक से कर रहे हैं और फोर्थ वाले राउंड में राइडर स्विच करेंगे। तो चलिए गाइस हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपने देखा ही इनिशियल पावर में RC थोड़ी सी पीछे रह जाती है और अभी आप देख सकते हो कि NS निकल चुकी है आगे, लेकिन अब मैं भाई को कवर करने की कोशिश करता हूँ और ये डिस्टेंस हो गया है यहाँ पर कवर और मैंने लगा दिया है फिफ्थ गियर।
और जहां तक मैंने लास्ट वीडियो में चेक किया था वो 95 से ऊपर नहीं जा रही है। एनएसए जीत चुके हैं। जिस तरीके से हमने टीवीएस को हराया था अपाचे 160 को, वैसे ही हमने एनएस को भी बहुत ही तगड़े तरीके से हराया है और आरसी रही विनर। तो गाइस अब फोर्थ राउंड में राइडर स्विच करते हैं। तो गाइस आपने थर्ड राउंड चेक किया ही, आरसी बहुत बढ़िया विनर रही। और गाइस फर्स्ट राउंड हम इसलिए हार गए थे, मैंने बताया मेरे जूते की लेस फंस गई थी थोड़ी सी गियर में, तो इसलिए मैं लॉन्चिंग नहीं कर पाया सही तरीके से। लेकिन गाइस दोनों राउंड में मैंने लॉन्चिंग बेस्ट की, इनिशियल पावर में एनएस आगे निकली लेकिन उसके बाद मैंने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया। अब आपको पता है कि वेट का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, भाई का वेट मुझसे कम था इसलिए भाई तो इससे थोड़ी सी टक्कर भी दे पाया। मैं देखता हूँ कि टक्कर दे पाता हूँ या नहीं। तो चलिए गाइस राइडर स्विचिंग के साथ अब हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। रेडी? तो गाइस निकल चुके हैं और आप देख सकते हो इनिशियल पावर में निकल चुकी है एनएस, लेकिन आरसी ने भी बहुत तगड़े तरीके से कवर किया। और गाइस इसमें लिमिटर तो नहीं आ रहा है लेकिन गाइस ये पिकअप बहुत लेट पकड़ रही है। अभी आप देख सकते हो कि फुल थ्रॉटल देने के बाद भी 10,000 RPM पे ये ओनली 92-95 ही जा रही है। और गाइस लिमिटर तो आ ही नहीं रहा है इसमें लेकिन ये पिकअप पकड़ने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ए डॉगी तुझे भी अब भी आना था। तो गाइस फोर्थ राउंड आपने चेक किया और हम एनएस से बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। सो गाइस आपने हमारी ये ड्रैग चेक की ही, बहुत ही तगड़ा मजा आया मुझे तो ये ड्रैग करके। 125 सीसी के सेगमेंट में हमने जितनी भी बाइकों से रेस की है ऑलमोस्ट उसमें आरसी जीती है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम एक ये हो रखी है, फर्स्ट गियर में आरसी 125 का इनिशियल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है। जब तक गाइस आरसी या दूसरी बाइक 50 की स्पीड क्रॉस नहीं कर देती जब तक हमारी आरसी पीछे ही रहती है। सेकेंड थर्ड गियर के बाद आरसी जो भी डिस्टेंस है उसे कवर करने की कोशिश करती है और गाइस हमारे ड्रैग के एंडिंग तक आरसी विनर रह ही जाती है। ये जो मुझे इनिशियल पिकअप थोड़ा सा कम लगा है उसलिए मैं KTM से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं इसके थोड़े से जुगाड़ में लगा हूँ, मैंने दो चार जगह बात कर रखी है कि इसका इनिशियल पावर किस तरीके से बढ़ सकता है। तो गाइस देखेंगे कभी इस पे एक्सपेरिमेंट करके और इसका पिकअप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ विली वगैरह मारने का, वो भी नहीं हो रही है क्योंकि विली मारने के लिए इनिशियल पावर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बाकी गाइस इस ड्रैग की बात करूँ तो आपने देखा ही कि इस ड्रैग में हमें बहुत ही तगड़ा मजा आया। सिर्फ फर्स्ट वाले राउंड में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे शूज की लेस फंस गई थी गियर में तो मैं बेस्ट लॉन्चिंग नहीं कर पाया। लेकिन गाइस सेकंड राउंड से आपने चेक किया ही कि सेकंड और थर्ड राउंड में हमने आरसी से एनएस को बहुत तगड़ी टक्कर दी। और बाकी गाइस हमारी 125 सीसी सेगमेंट की जितनी भी रेस है वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। हमने 125 सीसी की जितनी भी सेगमेंट थी सारी बाइकों को बहुत बढ़िया तरीके से हराया। 5 किलोमीटर के ट्रैक पर टॉप एंड करने इसको 155-160 सीसी के इंजन से भी जाते हैं। तो गाइस मैं श्योरली कह रहा हूँ कि आरसी 125 ही बहुत तगड़े तरीके से उन सारी बाइकों से विनर रहेगी। तो गाइस आपने ये राउंड चेक किए ही, मैंने जहां तक सोचा था जिस तरीके से टीवीएस का रिजल्ट निकला था उसी तरीके से इसका भी निकलेगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमें बहुत ही सही मजा आया। आई होप आपको ये ट्रैक भी पसंद आई हो। यदि ये ट्रैक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold